सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप अपने अपने घरों में सब अच्छे और सकुशल होंगे। आज हम आपकी पुस्तक में से दूसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है लालची कुत्ता। ये कहानी एक कुत्ते के बारे में है जिसका नाम टॉमी है, और कहीं से उसे रोटी का एक टुकड़ा मिल जाता है, और इस तरह अब टुकड़े को मुंह में लिए टॉमी चलता चला जाता है। पर रस्ते में अचानक से नदी पर वो जब अपनी परछाई देखता है तो उसे लगता है कि एक और कुत्ता जो है वो पानी में है। उस कुत्ते को देखकर उसका दिल करता है कि वो अपनी रोटी भी उसकी रोटी भी छीन ले, और इसलिए वो मुंह खोलता है और अपनी रोटी भी गवा देता है, और इस प्रकार लालच का उसे बुरा फल मिलता है। तो आइए इस कहानी को हम पढ़ें। एक कुत्ता था, नाम था उसका टॉमी। वह बड़ा लालची था। एक दिन की बात है, उसे कहीं से एक रोटी मिल गई। उसने रोटी अपने मुंह में दबा ली। वह रोटी को मुंह में दबाए हुए एक पुल से नदी को पार कर रहा था। मुंह में दबाना मतलब मुंह में भर लेना या मुंह में पकड़ लेना। टॉमी ने नदी की ओर झांका। झांका मतलब देखा। नदी का पानी साफ था। नदी के पानी में उसे एक कुत्ता दिखाई दिया। वह उसकी अपनी परछाई थी। वह पर उसने उसे दूसरा कुत्ता समझ लिया। उसे उस कुत्ते के मुंह में भी रोटी दिखाई दी। टॉमी के मन में लालच आ गया। वह उसकी रोटी भी खाना चाहता था। टॉमी ने उस कुत्ते पर झपट्टा मारा। झपट्टा मारना मतलब एकदम से हमला कर देना। झपट्टा मारने में उसका मुंह खुल गया और उसके मुंह की रोटी पानी में गिर गई। वह अपनी रोटी से भी हाथ धो बैठा। टॉमी परेशान हो गया। उसे तेज भूख लगी थी। लालच के कारण वह अपनी रोटी भी गवा चुका था। अब मैं क्या करूं? टॉमी सोचने लगा। तभी उसे एक औरत आती हुई दिखाई दी। उसके पास एक पोटली थी। पोटली मतलब कपड़े का एक थैला। उस औरत ने पोटली में से एक रोटी निकाली और उसे टॉमी के सामने डाल दिया। टॉमी ने रोटी उठा ली और खा ली। अब उसकी भूख मिट गई। टॉमी ने प्रण लिया, मैं अब कभी लालच नहीं करूँगा। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी में से हमने सीखा कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। जो भी कुछ हो हमारे पास, हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, उसी में संतोष करना चाहिए, और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के चलते हमेशा हमारा बुरा ही होगा। धन्यवाद।